शांति से ही नहीं चला जाता, आवाज करके चला जाता। अगर भालू ने आप मतलब सडन एनकाउंटर हुआ, भालू ने आपको देख लिया, आपने भालू देख लिया, फिर वो भागेगा नहीं, फिर वो आपके ऊपर कूदेगा। लेकिन अगर उसको लग गया कि आपने नहीं देखा है उसे, वो दूर है, वो साइड में चला जाएगा। तो इसीलिए भालू के इलाके में बोला जाता है कि अगर आप कई लोग हो तो बातें करते चलो, अकेले हो तो मोबाइल में गाना बजा के चलो, डंडा है तो उसमें घंटी बांध लो। अगर आपको मालूम है कि भालू के इलाके में ट्रैकिंग कर रहे हो, तो जब आप डंडा बार बार रखोगे तो वो आवाज़ करेगा। तो उस दिन भी जो हुआ, उस दिन जब हम लोग गए तो बातें कर रहे थे, तो जो हमारे साथ एक जो आगे चल रहे थे, उन्होंने बोला कि उन्होंने भागने की आवाज़ भी सुनी है। और जब वो हाँ थोड़ा कूद कूद चलता है ना, तो उसने देख लिया कि इधर ही आ रहे हैं, तो पहले से चला गया। और आज भी हम लोग इसीलिए बात कर रहे हैं। सुनो भालू, अच्छा यहाँ नहीं, आगे, अभी नहीं, अभी तो कोई हम लोग भालू को ना देख पाए और भालू हम लोगों को देख ले, वही वही कंडीशन सही है, उसमें भालू चला जाता है। और नजर मिल गई तो काम हो गया। अगर भालू ने आपको देख लिया और आपने भालू को देख लिया, यहाँ से अचानक से भालू यहाँ आ गया, फिर ये भागेगा नहीं, हाँ वो देखेगा यार ये मुझ पर अटैक कर देंगे। अगर दूर है तो चला जाएगा, पास में है, और कई बार तो दूर से भी चार्ज करता है। तो सबके हाथ में दोस्तों डंडे हैं, क्योंकि दो ऑप्शन थे, एक भालू गुफा और भूरी ने बताई है, जहां मैं गया नहीं हूं। तो लेकिन वो एक तो धूप हो रही है और दूसरी बात थोड़ी चढ़ाई ज्यादा है। आपने बता दिया भालू है, तो हम लोगों के साथ ही आ रहे हैं वो लोग भी ऊपर। नहीं नहीं वो तो अपना उसमें। अच्छा। तो अभी रिसेंटली आपने देखा ये वाला ट्रैक, दो दिन पहले ही किया था। उस दिन जब आए थे ना, यहाँ से बंदर पत्थर गिराए थे लंगूर। हाँ ये जो है छोटी गुफा है ना, पक्का ये इलाका भालू का है। नहीं भालू का तो है ही, इसने भूरी ने देखा ना भालू पानी ठीक करने गया था, कहाँ गया था पता नहीं। श्रीमान भालू जी महाराज, सुनो भालू 1008 श्रीमान भालू जी महाराज, भालू देखिए ना, ये पठाली वाले पत्थर है ना सर। हाँ और शादी शायद ये तेंदुआ ये रूल होता है इसका, हड्डियाँ और इसकी ये तो गाय मारी थी ना, एक वीडियो में दिखाया था मैंने, ये तेंदुए ने मारी थी। ये देखिए इसका स्कल है, यहीं पे खाया था। भालू जी महाराज, भालू बोलो हाँ, ये लोग डरे हुए हैं ना इसलिए। सुनो भालू, आ रहे तुम जाओ, जाओ नहीं देखो दूर। आप लोग हमेशा झुंड बना के चलती हो, अकेले भी चल लेती हो? अकेले तो रात को कि दिन में, दिन में जाती हो रात को, शाम मतलब शाम तक। और बघेरा देखा है? बघेरा आपने देखा है जब आप जाते हो तो मिला है कभी है? अकेले में तो फिर डंडा कैसा है, डंडा लेके चलती हो है? चढ़ाई के लिए तो फिर कैसे वो बगैर अपने आप भाग जाता है? किसने बगैर ने? अच्छा यहीं पे कितने दिन पहले? कल। अच्छा तो खा गया, उठा ले गया उसको, कहाँ किस जगह की बात है? आगे? अच्छा यहीं पे। अच्छा घास के लिए आए
कल यहाँ पे डियर का बच्चा मारा है लेपर्ड ने, यहीं पे ये यहाँ पीछे, फिर उसको उठा ले गया होगा ऊपर। हाँ हाँ, ऐसी बहुत सारी रॉक्स हैं। ये देखिए कितनी सुंदर रॉक है, आज पक्का भालू मिलेगा आपको। भालू अभी दोस्तों आधे रास्ते तक आ गए। ये क्या है, ये गांव वाले भी यूज़ करते हैं इस रास्ते को, जैसे अभी राशन लेके आ रहे हैं। यहाँ इनके घर हैं और ऊपर तो गांव है जहाँ वो गब्बर सिंह की बकरियाँ मारी थी, तेंदुए में ले गया था आपको एक बार। ये रास्ता जब यहाँ से आगे जाते हैं ये फिर कोई यूज़ नहीं करता। तो ये जो वो जो हमारे रिजॉर्ट के सामने जो नदी है उसका सोर्स यही है, अंडरग्राउंड पानी बह रहा है। अभी आप आगे देखोगे पानी मिलेगा, तो इसलिए यहाँ तक तो क्या है लोगों की आवाजाही है, यहाँ से आवाजाही नहीं होती है। दोस्तों जब आप ट्रैकिंग करें भालू के इलाके में या किसी जानवर के इलाके में और आपको उसे इन्फॉर्म करना है कि आप आ रहे हो, तो ये तरीका होता है। जब भी आप कोई पत्थर देखो डंडा उस पर, तो ये आवाज़ दूर तक आती है। आप ये समझ लो कि ये आवाज़ अगर जंगल में देखोगे तो 1 किलोमीटर दूर तक चली जाएगी, एको भी आएगी इसके सामने से और वो समझ जाता है। देखिए यहाँ से नमी आ गई ये, और ये जो आप देख रहे हो ना पत्तों का ढेर, इसके अंदर कोबरा अपना घोंसला बनाता है। बस बिल्कुल यही है आगे, ये जो मालू के पेड़ दिख रहे हैं ना, हाँ ये देखो टिटर, ये जंगल फोक्स बोलते हैं, ये बर्ड आवाज कर रही है ना, ये जंगल फोक्स है। इसको आदत नहीं आदमियों की, यहाँ डंडे डंडे पटकते हुए चलो। ये दोस्तों वही मालू का पेड़ है जो उस दिन मैं दिखा रहा था, और उसके बाद जैसे ही हम ऊपर चढ़े तो भालू की गुफा दिख गई। ये गुफा दिखने लगी है, यही गुफा है, यही ये सामने ना इधर वो सामने, ये दिख गई क्योंकि ऊपर चढ़ना है। हाँ बाल तो पड़े हैं पीछे में, नजर रखनी पड़ेगी। थोड़ा चल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों हड्डी पड़ी हुई है यहाँ पे, तेंदुए ने गाय मारी होगी या सांभर मारा होगा। ये खो बनी हुई है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, भालू क्या लपड़ हो सकता है। ये देख के चलना आप, जो नीचे वो है ना, नहीं नहीं भालू नहीं सांप बोल रहा हूँ, जो ये यहाँ भी पत्तों का ढेर है ना उसके अंदर कोबरा क्वाइल बना के अंडे देता है। चलो आप गमला डंडे से पटक गया, डंडा पटक वैसे तो उसे कदमों की आहट आ गई होगी, हट जाएगा। ये दीवार तो मैन मेड लग रही है। हाँ ये तो मैन मेड है सर, उसको क्या बोलते हैं जो लोहे की केज में पत्थर बांध दिए, क्रेट क्रेट बोलते हैं। आपने अभी लेटेस्ट में किसी वीडियो में बताया, मैं भूल गया था। हाँ अच्छा, ओ भूरी है भूरी नहीं, हम थोड़ा सा भूरी के सामने भूरी आ जाओ, मैं तो आ जाऊंगा, मैं आ जाता जंगल मैन।
हिसाब से तुम्हें एमेचियर ही होगा। ये किसी का पेड़ है? बरगद है? फाइकस है? गुलर में कुछ लताएं चढ़ी हुई हैं। इसका जड़े होते हैं सर, ये दूसरा होता है, ये पिपल का होता है ना। अच्छा, ये दूसरा वो जंगली है। हाँ। ये कुछ दबाया हुआ है। भालू। क्या दबाया हुआ है? कपड़े में बांध के? नहीं सर, ऊपर से आया होगा ना। अच्छा, बह के आ गया होगा। घर है ना? हाँ, जब वो बारिश हुई होगी ना कुछ बह के। हाँ, यही पानी हमारे सामने से निकलता है, ये वाला। फिर बाद में तेड़ों में मिल जाता है, बाद में तेड़ों में, फिर बाद में गंगा में। 9 किलोमीटर बाद गंगा नदी मिल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आज मैं पहली बार आया हूँ। जो भालू के बाल पड़े थे उसके आगे, बड़ी सुंदर जगह है। हालांकि ऊपर से गांव का रास्ता है। ये जो दीवार दिख रही है तो ग्राम पंचायत ने लगता बनाई है कि कटाव ना हो मिट्टी का। और यहाँ छांव है, अच्छा लग रहा है, बीच में गर्मी है। और ये रास्ता अभी तो पूरा कैचमेंट कहाँ तक है पूरी है सर? बहुत आगे तक, बहुत आगे तक। हाँ। जहाँ तक रोड है वहाँ तक है? हाँ, वहाँ से आ रखा सर मलबा। अच्छा, यहाँ से इधर भी नहीं खुल सकते आप, ऊपर से डंडी से, ऊपर से फिर वहाँ से उसके राजू क्या सोच रहे हैं? हाँ सर, ऐसा कर ले, ऐसे ही करते हैं सर, है ना? नहीं, ऐसा करते हैं, यहाँ से चल लेते हैं ऊपर और रोड के, वहाँ से फिर अपने सामने वाले पहाड़ पे उतरेंगे। ठीक है, ठीक है ना? कर सकते हैं ये। हाँ। अब देखिए, काफी जहाँ से नदी आ रही है ना वहीं चलना है। ये आज पहली बार उस नदी के सोर्स पे जा रहे हैं जो हमारे रिजॉर्ट के सामने जाती है। और मैं समझता था कि आधा किलोमीटर का ही कैचमेंट एरिया है, लेकिन वो एक स्ट्रीम थी। और जो ये दूसरी स्ट्रीम है, ये तो मुझे लगता है 2-3 किलोमीटर दूर से आती है, इसीलिए इतना पानी आता है। इधर से कहां जा सकता है? यहाँ से नहीं चढ़ सकते क्या? यहीं से जाना पड़ेगा। हाँ, ये तो गिरेगी मिट्टी ना, ये तो भुरभुरी है। अच्छा, वही सतेंद्र वाला? वाला। अच्छा, तो ये कौन सा है? ये प्रधान के घर ऊपर है, इनके घर नीचे। अच्छा, तो प्रधान के घर भी। अच्छा, गब्बर सिंह वाला? हाँ, सही है। ये पत्थर कमजोर है। हाँ, गर्मी है। और ये देखिए, ये है खतरनाक। ये पकड़ना यार, कैमरा पकड़ना, प्राण जाए कैमरा ना जाए। देखिए, ये हमारे जो ग्रुप लीडर हैं। अच्छा, यही रास्ता है यहाँ से, बस नदी यहीं से स्टार्ट हुई। क्यों, इसके बाद तो खेत आ गए? बस दोस्तों, ये है उद्गम। यहाँ से नदी एक वाटरफॉल बनाती है और फिर नीचे जाती है। अब देखिए दोस्तों, ये जो है कंडीशन देखो आप, ऐसे चढ़ रहे हैं, एक पत्थर स्लिप किया काम हो जाएगा। ये देखिए, नहीं नहीं फंसने में क्या है कि एक हाथ में डंडा, एक में कैमरा। इतना चढ़ना है, इतना चढ़ चुके वहां से, वो ऊपर से रोड जा रही है। ये देखिए, कई लोग बोलते हैं भाई सांस फूल रही है बस्ती जी। सर, पहाड़ चढ़ते चढ़ते जरा बोलो एक बार मोबाइल में,
जवान जो 25 साल का है उसकी भी सांस फूलती है। देखिए सर कितनी मुश्किल से आप आ रहे हैं। नहीं नहीं मुश्किल से नहीं आ रहे सर, वस्तु स्थिति का अध्ययन करते हुए आ रहे हैं कि गिरेंगे तो साथ में कैमरा भी गिरेगा, खुद गिर जाओ कोई टेंशन नहीं। कैमरा आप कैसे दे दीजिएगा सर? वो स्पेशल इफेक्ट होगा अगर कैमरा ड्रॉप हुआ। नहीं हॉलीवुड मूवी में जब डाइव करता है तो उसके साथ कैमरा भी डाइव करता है। हाँ। पानी पी ले थोड़ा सा। इसमें कचरा जमा है, वो बर्फ का। वो जो टॉप पे दिख रही है वो रोड दिख रही है जिसमें मैं नाइट ड्राइव करता हूँ। अच्छा ये वाली रोड पे आप करते हैं सर? हाँ आजकल जो करता हूँ। अच्छा वो गब्बर का। मैं इसको पीट बद्दी तो पूरी लंबी है। और ये देखिए आप तलवार नहीं उतरी। ओह टूट गया। नहीं टूटा नहीं, ये स्टैंड है। ये देखिए ये कांटा चिपक गया। ये कांटे बनाए ही ऐसे गए हैं भगवान ने कि बकरियों में सब में चिपक जाते हैं और ये आगे फैलते हैं। वो देखिए बाइक जा रही है वहाँ से। बहुत ऊपर है रोड भाई, मजाक मजाक में पंगा ले लिया। अब रहे ना घर के ना घाट के। अब ये देखो इस तरह से चट्टाने हैं, नीचे जाओ उससे अच्छा है ऊपर जाओ। ये देखिए अरे हाँ यार जिप्सी तो हमने वहाँ खड़ी कर रखी है। वापस चलें क्या? वापस चल लें। चल लेते हैं सर। तो फिर उतना वापस आना पड़ेगा जिप्सी लेने के लिए। एक काम करेंगे जिप्सी फिर मैं अपनी गाड़ी से उठवा लूंगा आपको। नहीं वो तो शमशेर आ जाएगा ले जाएगा, चाबी दे दूंगा तो ले जाएगा। आप बताइए क्या करना है, चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है? चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, बस ये कि वहाँ पे खुली धूप में चलना है। अच्छा इसी रोड पे आ जाएंगे। हाँ तो फिर हम ऊपर जा क्यों रहे? हाँ जब नीचे ही आना सर, आप यहाँ से फिर नीचे जाओगे तो ये मुश्किल है। वो रास्ता ठीक है? ये है रास्ता। अच्छा जो गांव वाला रास्ता है। अब ये ज़्यादा पसंदी खड़ी तो नहीं? एक काम करो ना, इस रास्ते चल लो, यहीं से पकड़ में आ जाएगी मैं। हाँ उस रोड को छोड़ो यार, बहुत ऊपर है वो। तो वहीं ज्वाइन हो जाएगा। हाँ तो वो कर लो, क्योंकि ये देखिए दोस्तों नेचुरल ब्यूटी देखो। क्योंकि ये डिसाइड हुआ कि भाई ऊपर रोड में जाएंगे, अपने रिजॉर्ट के सामने निकलेंगे, तो जिप्सी तो हमने वहाँ छोड़ दी। यहाँ स्लिप करते हैं किनारे से एकदम। हाँ यहाँ से पानी गिरता बन बना के एकदम झरना बनाता होगा। जिस टाइम पे ये गिरता होगा ना झरना। हाँ। बड़ा देखने लायक होता होगा। हाँ। नहीं आ सकते हैं, इधर से नहीं आऊंगा ना मैं, इधर से आऊंगा। और वहाँ ये रोड तो खुली रहेगी ना, वहाँ से आऊंगा इस बार बारिश में। लौटते समय भी उतनी सावधानी रखनी है, क्या पता जहाँ ना देखा हो वहाँ बैठा हो। हाँ ये भी गूलर है ना, ये दोस्तों जो गूलर का पेड़ होता है ना ये भी अंजीर की फैमिली का ही है। और इसका अंजीर के आगे कुछ अंजीर है ऐसा कुछ नाम रखे भी, एडम्स। हाँ अंजीर एडम्स ऐसा कुछ नाम है। और ये देखिए जिस तरह से ये है ना, ऐसे ही अंजीर लगते हैं ये जो इसके तने में जो लगे हुए हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे अंजीर होता है, कुछ मिलता जुलता ही है अंजीर से। और अंजीर भालू का फेवरेट है। ये कैसी पेड़ होता था, उसमें यहाँ नीचे तनों में लगते हैं, शायद जाबू टिकाबा बोलते हैं। अच्छा ब्लैक ब्लैक कलर पे लगते हैं, पूरे तने पे लगते हैं। अच्छा ये क्यों गूलर खाता है क्या भालू? हैं हाँ गूलर तो सर आदमी भी खाता है। अच्छा आदमी खाता है। हाँ हमारे यहाँ गांव में खाते हैं लोग। और वो ये क्या ये कौन सा फल है? कौन सा है ये? बड़ा बढ़िया पेड़ ये जो पीला फूल है, ये जो हरा वाला है। अरे इसको कुछ बोलते हैं। अच्छा। यार हमारी इधर बिकने आता है भाई,
नहीं नहीं बहेड़ा बा से नाम है बहेड़ा बरहड़ साहेब हाँ? हम देख लेंगे फल क्या बोला देंगे। दाऊ इधर वो हो हमारे इधर ये खाया जाता है भालू खाता है ये वाला पेड़ है इससे लगे फल बरहड़ ये दोस्तों इसको यहाँ दाऊ बोलते हैं और इसको भालू खाता है बरहड़ दूसरा होता है नहीं नहीं इसी को बोलते हैं बड़े-बड़े बरहड़ होते हैं फिर यही है बरहड़ी है ये बरहड़ है बरहड़ी है भाई साहब ये टेस्टी होता है अच्छा तो ये अभी पक गया है कच्चा है और बड़ा होगा सर ये थोड़ा हाँ थोड़ा और बड़ा होगा बरहड़ी है ये तो बहुत छोटे छोटे हैं सर अच्छा कैसा होता है खट्टा मीठा होता है अच्छा ये तो बड़े बड़े हो गए यार ये बराड़ी है भैया भूरी भैया एक निकाल सकते हो क्या डंडा मार के ये देखिए ये बड़े बड़े फल है जिसको बरहड़ बोल रहे हैं कानपुर साइड और यहाँ पहाड़ पे बोल रहे हैं डाऊ और ये भालू का फेवरेट है और ये लोग बता रहे हैं कि इसको आदमी भी खाते हैं बिकने आता है देखिए दोस्तों सामने से जो रोड जा रही है तो ये वही रोड है और मैं बोलता हूँ ना कि भालू की फेवरेट है और ये लेपर्ड की फेवरेट है क्योंकि देखिए ये घर बने हैं और घर वहाँ पे सामने भी बने हैं इसके ऊपर ऊपर से रोड चल रही है तो घना जंगल है इस तरह के वो हैं रवीन्स हैं छिपने के आइडियल खाने पीने की जगह है भालू के वो भी रोड जा रही टॉप से नाइट ड्राइव के वीडियो आजकल जो बनाता हूँ मैं इसी में बनाता हूँ और इसलिए ये भालू और लेपर्ड का फेवरेट है आप देख के समझ सकते हो कि एक रोड से नीचे उतरे तो छिपने की पूरी जगह है रोड के ऊपर आ गए तो चलने के लिए प्लेन जगह है आज रात को भी मैं इस रोड पे आऊँगा कराता हूँ आपको नाइट ड्राइव ये देखिए कितने सारे आम लगे हुए हैं ये देखिए आम अभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया ये आम तोड़ते हैं इस घर से मांगते हैं काला नमक और यहाँ खाते हैं आम फिर आगे चलेंगे हो जाएगी अपनी पिकनिक लाओ मैं हाथ से तोड़ दूँगा हाँ ये तो टूट जाएंगे ये पूरा गुच्छा तोड़ दूँ क्या मैं तोड़ता हूँ मैं मारता हूँ नहीं पकड़ो आप मैं पकड़ पीछे हट जाओ थोड़ा दोस्तों आम खड़े हो गए वो भी पूरा पूरा गुच्छा ये है हाइट का मजा इतने सारे आम एक बार में फोकस से बाहर हो गए सर नहीं आम को फोकस कर रहा था हाँ। ये देखिए इतने सारे आम ऐसे खड़े खड़े तोड़ लिए अब इसको खाते हैं एकदम ताजे आम जमीन पे गिरे भी नहीं ऐसे ही हाथ उठा लिए हाँ सर ये आप लंबाई के पास ये ऊपर क्या है अच्छा दोस्तों ये जो लग रहा है इसको बोलते हैं तोड़ आम का तोड़ वरना नुकसान करता है स्किन पे यहाँ बहुत अच्छी फोटो आ रही है हमारी तरफ बोलते हैं इसको चोप अच्छा चोप हमारे यहाँ एमपी में बोलते हैं तोड़ इसको अभी हाथ धोना पड़ेगा मुझे नहीं तो हाथ में नुकसान हो जाएगा हाँ, जला देता है हाँ। ये लो भाई ये भी डाल लो तो ये जो देखिए ये घर है पहले ये खेती करते रहे अभी भी करते होंगे खेती तो ये जो बना हुआ है ना पत्थरों का घेरा इसमें क्या करते हैं अनाज डाल दिया और बैल को चलाते हैं तो बैल जब चलते हैं तो उनके पैरों से वो निकल जाता है उसको पता नहीं दलाई बोलते क्या यहाँ यूपी में मड़ाई बोलते हैं और तुम यहाँ क्या बोलते हैं यहाँ क्या बोलते हैं खिलान इसको खिलान बोलते हैं इसके बारे में एक जोक सुनाता हूँ दोस्तों आपको कि ऐसे ही कहीं मैदान की बात है एक वकील साहब देख रहे थे कि बैल चल रहे हैं किसान आराम से छाँव में बैठा हुआ है और तो वकील साहब ने बोला कि तुम यहाँ बैठे हो तुम्हारे बैल वहाँ चल रहे हैं तो तुम्हें कैसे मालूम वो बैल रुक नहीं जाते और तुम्हें कैसे मालूम तुम तो आराम से सो रहे हो कि बैल चल रहे हैं आदमी बोला मैंने उनके गले में घंटी बांध दी है तो वो घंटी की आवाज़ मुझे सुनाई देती रहती है तो मुझे पता है कि वो चल रहे होते हैं तो वकील साहब बोले कि अगर बैल खड़े होकर गर्दन हिलाता रहे तब क्या तो बोला किसान बोला सर वो बैल है वकील नहीं है इधर से जैसे रास्ता यहाँ से इसके पहले यहाँ पे लाई बोई गई है सरसों की है ऐसी ढाल से हमें डर लगता है इन सूज में अब वो जहाँ से आए वो नीचे ये यहाँ पर
यहाँ फिसलने का डर ज्यादा लग रहा है, अगर पाँव घूम टूट सकता है। हमारे जूते ज्यादा स्लिप करेंगे तो मोजे में चल लेंगे, हम गिरेंगे नहीं। लेकिन हम मोजे में भी स्लिप करोगे या फिर तो नंगे पैर चलो। बहुत डिफरेंट स्पीशीज की बर्ड्स दिख रही हैं दोस्तों मुझे, लेकिन इतनी दूर हैं कि कोई फ़ायदा नहीं कि मैं उन्हें शूट करूं। यहाँ तो S24 अल्ट्रा भी फेल हो जाएगा। सैमसंग नहीं लाए क्या सर आप? वही तो है। अच्छा भाई, लेकिन वो इतनी छोटी छोटी बर्ड उतनी दूर आएंगी नहीं। बर्ड साइज व्यू है सर, ये घर है ना दिखाई दे। हां इसके पीछे है वो। अच्छा हाँ हाँ हाँ, वो एक्सपायर हो गया था पिछली बारिश में। हाँ व्लॉगर्स का फेवरेट है, मैं मेरे वीडियो देख के पता नहीं कितनों ने खरीद लिया। कितने का पड़ा था सर ये? 1.38 का पड़ा था और मुझे सैमसंग ने 1 रुपया कमीशन नहीं दिया, जबकि मेरी वजह से कितनों ने खरीदा है। देंगे थोड़े दिन में? चलो उम्मीद में दुनिया स्पॉन्सर से मिलती ही नहीं यार। बताओ ईमेल आईडी मेंशन कर दीजिए। ईमेल आईडी सब मेंशन है, तो वो सब गेमिंग ऐप वालों के आते हैं, उनको दिन में 10 ऑफर आते हैं मेरे पास, लेकिन गेमिंग वालों के आते हैं। एक किया था तो सब्सक्राइबर्स ने मना कर दिया कि भैया मत करो, तो छोड़ दिया। तो इतने रोज के 10,000 रुपये छोड़ता हूँ मैं आप लोग की वजह से, लेकिन आप लोग हो कि मुझे स्पॉन्सरशिप दिलाते ही नहीं हो। अरे ढंग की तो दिलाना चाहिए यार, इतने सब्सक्राइबर हो गए हैं। अब ब्यूटी प्रोडक्ट का नहीं कर सकता तो क्या जंगल इक्विपमेंट का तो कर सकता हूँ। तो देखा का तो कर सकते हैं। नहीं मैंने डीकैथलॉन का किया है, लेकिन उसके बावजूद इंस्टा की रील पे 1.5-1.5 लाख व्यू आते हैं, लेकिन आप लोग मना करने में तो आगे हो, दिलाने में आगे नहीं हो कि भैया कि ये स्पॉन्सरशिप मिल जाए, ये मिल जाए। जब एक ही थी उसके बाद आपने मना कर दिया। रोज के मैं अपना ईमेल आईडी दिखा दूँ, रोज के मेरे पास ये बेटिंग ऐप के 10 ऑफर आते हैं, लेकिन मैं करता अपनी तरफ से भी ऑफर करना पड़ता है। अपनी तरफ से ऑफर करके पैसे नहीं मिलते ढंग से, नहीं मिलते हैं। अब वैसे मेरा मानना ये है कि अगर जैसे पहला एक काम आप उठा लेंगे ऐसे, तो वो ना डीकैथलॉन उठाया तो अच्छा। तो कहाँ दूसरे आए फिर? डीकैथलॉन वाले दोबारा भी करने वाले थे, फिर अभी तो कुछ हुआ नहीं उनका। मैनेजर रखना पड़ेगा। अरे असली कमाई तो स्पॉन्सरशिप से होती है। अभी इतने मेरे अगर सब्सक्राइबर, अगर मेरा चैनल लड़की वाला होता ना ब्यूटी प्रोडक्ट का, तो लिपस्टिक और दुनिया भर के पता नहीं लाइन लगी होती, मामा अर्थ और दुनिया भर के प्रोडक्ट, शैम्पू पता नहीं क्या क्या। अगर आप अपने साथ में भी किसी कन्या को रख ले ब्लॉगिंग के लिए तो भी लाइन लग जाएगी, तो भी लाइन लग जाएगी। देखो जमाना क्या आ गया है, मतलब लड़कों की कोई वैल्यू नहीं है, आदमियों की कोई वैल्यू नहीं है। बात सही है, पावर बैलेंस बिगड़ रहा है। मैं भी शादी के बाद अपनी वाइफ से जो है व्लॉगिंग ही करवाऊंगा। हाँ देखो कितनी दूर दूर के सपने, अभी शादी हुई नहीं है लेकिन सपने देखो आगे के पहले से प्लानिंग है। वर्ल्ड वाइड मौज होने वाली है मेरी। बीएससी करके जो है सरकारी नौकरी में इंडिया घुस रहे हैं, वहाँ हाई स्कूल पास करे साल के। कुछ नहीं गेमिंग का सेटअप लगाया। आजकल लड़कियां रील बनाती है सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए। ये देखो सामने जो लड़का जा रहा है सरकारी नौकरी वाला लड़का है। लड़का नहीं रहा सर आप। नहीं सर लड़का, लेकिन जो अच्छा आप तो आप उसी रोड पे आ गए क्यों? हाँ। वो जो इंस्टा पे जो रील चलती है ना हाँ। उसमें लड़के नहीं है, उसमें होता है कि सरकारी नौकरी वाला तो बुड्ढा भी चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? हाँ वो इंफोसिस में लगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। होता तो सर नहीं, वो फैक्ट ये है कि अब सरकारी नौकरी के भी वो खत्म हो गए मामले, पेंशन वगैरह नहीं है। लेकिन सर स्टेबिलिटी अभी भी है। हाँ स्टेबिलिटी है। वो तो छूट गया आगे साल में, वो तो पीछे रह गया ना। साल में एक सप्ताह ट्रैकिंग वैकिंग करनी चाहिए आदमी। हाँ नहीं उससे क्या होगा, वो जितनी आपने हेल्थ बनाई वो एक हफ्ते में खत्म। साल में एक बार से क्या हो, लेकिन एक बार में नहीं होता ना। 40 मिनट में हम लोग चले 1.09 किलोमीटर बस। वॉच यही बता रही थी। तो दोस्तों अभी जिस रास्ते को छोड़ के हम पहाड़ पे चढ़ गए थे, तो हम उससे ही नीचे उतर के उसी रास्ते को ज्वाइन कर चुके हैं।
जिससे हम आए थे, आम तोड़े लेकिन नमक नहीं मिला। तो अब रिजॉर्ट में जाके क्या ही खाएं, अपने रिजॉर्ट में तो आम भरे पड़े हैं, तो चलो तोड़े हैं तो खाएंगे, लेकिन अगर वहाँ पे नमक मिल जाता तो मज़ा आ जाता बैठ के खाने का। आगे से सिर्फ पानी नहीं, नमक और चाकू भी रखेंगे। तो दोस्तों भूरी बता रहा है जैसे ये छोटी गुफा है तो अपने नाखून से इसको बड़ा कर करके वो काफ़ी जगह बना लेगा। तो दोस्तों आगे जिप्सी पे, जिस जिप्सी को हम भूल गए थे, हम प्लान करने लगे थे कि वहाँ से जाएंगे वहाँ से जाएंगे, तो भूल ही गए थे कि हमारी जिप्सी जंगल में खड़ी है। बड़ी गर्म है, पीछे ये लोग पानी डाल के बैठे हैं। इसमें से कोई बोल रहा था कि ऑमलेट ला रहे हैं। जिप्सी इस गुर्राने का ही तो मजा है, इसका जिप्सी चलाने का जो सारा मजा है ना, जब एक गुर्राती है ना फंस गया, वही मजा। ये तो सफारी वाली है। हाँ सफारी की थी पहले, राजा जी में चलती थी। जब आप पिछली बार आए थे इसी तो आए थे आप लोग, पीछे जो इसका बंपर टेढ़ा हो गया था आप ही के टाइम पे, जब ये पुष्कर चला रहा था, वो भैया चला रहे थे पुष्कर, पुष्कर पानी में समझ में भी नहीं आ रहा था, बड़ा पत्थर था आटे से लड़ा हुआ। ये देखिए दोस्तों इस रोड में ऑफ रोडिंग, असली ऑफ रोडिंग ये होती है रास्ता बन गया, अभी तक जो था रास्ता नहीं था। हाँ ट्रैक्टर गया और मुझे लग रहा है दो तीन गाड़ियाँ, दो तीन बार तो हमारी जिप्सी के निशान है। कल इतना बढ़िया मौसम हो गया था लेकिन आज गर्मी हो गई। वो देखिए दोस्तों सामने दिख रहा है रिजॉर्ट अपना, लाल लाल छत कुछ ज्यादा ही लाल दिख रही है क्योंकि कल बारिश में धुल गई है। ये दोस्तों सामने दिख रही है अपनी केज कैंपिंग, उसके पीछे बर्डिंग हट, राइट हैंड साइड की तरफ वुड हाउस, उसके ऊपर है ब्रिक हाउस और सबसे ऊपर टेरेस हाउस, तो आप रोज ही देखते हो।